हो जाइए तैयार, महामुकाबले का होने वाला है आगाज। सड़कों पर थम गए पहिए, अहमदाबाद में दिखा नीली जर्सी का नीला समंदर। पहली बार होगा दुनिया का सबसे भव्य आयोजन, पूरी दुनिया के उड़े होश कंगारुओं के फूले हाथ पाओ। मैच से पहले ही हार मान गए कमेंस। मोदी भी आएंगे, अडानी, अंबानी, मित्तल, बिरला भी मैच देखने पहुंचेंगे। इसके अलावा बॉलीवुड का लगेगा जमावड़ा। पूरा शेड्यूल समझ लीजिए, क्या है विश्व कप को लेकर बीसीसीआई का प्लान। सूर्य किरण एयर शो भी होगा, विश्व विजेताओं का सम्मान होगा, दमदार लेजर शो, जीत के बाद आतिशबाजी का भव्य शो होगा। ड्रोन के जरिए से पूरी दुनिया देखेगी भारत की जीत की चमक। फाइनल मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो गया, पूरी दुनिया की नजर है, दिग्गजों का जमावड़ा भी लगने लगा है। अहमदाबाद की सड़कों पर मानो नीला समंदर आ गया हो, हर तरफ इस मुकाबले की चर्चा है, तो पूरी भारतीय टीम भी इस महामुकाबले से पहले तैयार है। कप्तान रोहित शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि यह महामुकाबला हमारे लिए खास है और हम भारत को 2011 के बाद फिर से विश्व विजेता बनाने तैयार है। इस मैच को महेंद्र सिंह धोनी भी देखेंगे। इस मैच में जब रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे होंगे, मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे होंगे, तभी स्टैंड्स में बैठे महेंद्र सिंह धोनी भी मुकाबले को अच्छे से परख रहे होंगे। इस मुकाबले को देखने के लिए दुनिया भर के वो दिग्गज पहुंचेंगे जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने में अपने अपने देशों को कामयाब रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महामुकाबला देखेंगे। धड़कने रोक देने वाले मैच को लेकर बीसीसीआई ने भी ऐसा तगड़ा प्लान बनाया है जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह गई। पड़ोसी मुल्क के तो हाथ पांव फूल गए, इतना बड़ा तो पूरी दुनिया में आज से पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इस क्रिकेट के महामुकाबले को सबसे भव्य बनाने के लिए बीसीसीआई और जय शाह ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। इस महामुकाबले का पूरा शेड्यूल समझ लीजिए। दोपहर 12:30 बजे सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम का 10 मिनट तक एयर सैल्यूट होगा। सूर्य किरण टीम के प्लेन अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए एयर सैल्यूट करेंगे। सूर्य किरण विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरेंगे और वर्टिकल फॉर्मेशन में एयर सैल्यूट देते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर से गुजरेंगे। न्यू इंडिया को ट्रिब्यूट देने वाले इस एयर शो के साथ म्यूजिक का कॉम्बिनेशन भी होगा। 5:30 बजे परेड ऑफ चैंपियंस होगी। परेड ऑफ चैंपियंस में अब तक के सभी विश्व कप विजेता कप्तान शामिल होंगे। खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के सामने बड़ी स्क्रीन होगी और वहां पर लगातार विश्व कप के बदलते स्वरूप को दिखाया जाएगा। साथ ही साथ अब तक खेले गए वनडे विश्व कप के फाइनल मुकाबले के कुछ खास मोमेंट भी दिखाए जाएंगे। 8:30 बजे दूसरी पारी में ड्रिंक्स ब्रेक होगा। सेकंड ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान 90 सेकंड का जब ब्रेक रहेगा तो लेजर शो होगा। 90 सेकंड का लेजर शो देख पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाएंगी। इसके बाद जब मुकाबला खत्म होगा और खिताब किसी टीम के नाम जाएगा तो फिर करीब 1200 ड्रोन आसमान में चैंपियंस बोर्ड बनाएंगे। बेहतरीन फायरवर्क्स भी देखने को मिलेगा। फाइनल मुकाबले की समाप्ति के बाद इसका आयोजन होगा। इसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी आतिशबाजी प्रतियोगिता के विजेताओं द्वारा फायरवर्क्स का प्रदर्शन किया जाएगा। इतना बड़ा आयोजन तो पूरी दुनिया में आज से पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इस क्रिकेट के महामुकाबले को सबसे भव्य बनाने के लिए बीसीसीआई और जय शाह ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। अहमदाबाद की सड़कों पर मानो नीला समंदर आ गया हो, हर तरफ इस मुकाबले की चर्चा है, तो पूरी भारतीय टीम भी इस महामुकाबले से पहले तैयार हैं। कप्तान रोहित शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि यह महामुकाबला हमारे लिए खास है और हम भारत को 2011 के बाद फिर से विश्व विजेता बनाने के लिए तैयार हैं। इस मैच को महेंद्र सिंह धोनी भी देखेंगे। बीसीसीआई भी तैयार है, रोहित ब्रिगेड भी तैयार है, मोदी भी तैयार है। आप कितने तैयार हैं कमेंट कर जरूर बताएं।